बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपका ज़की फ़ैमिली में। और अभी है तकरीबन 4:15 का टाइम हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद में नवाफल अदा करने के लिए और फजर की नमाज अदा करने के लिए। आज है जी जनाब मदीने में हमारा आखिरी दिन और दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तो कितनी देर की जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही टेंशन से कि शायद अल्लाह पाक दोबारा ये मौका लाए या ना लाए, तो दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जी फ़िलहाल चलते हैं मस्जिद में और नमाज अदा करते हैं। पहले नवाफल अदा करेंगे, फिर नमाज अदा करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हमने जोहर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल जाना है। तो आज है जी जनाब मदीने में हमारा आखिरी दिन और दिल भी परेशान है, दिमाग भी परेशान है। बस अल्लाह पाक जिस तरह हमें इस दफ़ा उम्र पर बुलाया, अल्लाह पाक बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। और रात को हम लोग तो आ गए थे मगरब और इशा की नमाज़ पढ़ के, और ज़कीन मान गया था थोड़ा भाइयों के साथ घूमने। वीडियो बनाई है तो इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करेंगे, वो वीडियो आपने ज़रूर बताना है कि कैसी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं मस्जिद में। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अच्छा, छोटे भाई के लिए समान लिया मैंने, और अभी चल के बाजार से आ गए तो अभी दोबारा मस्जिद आए, नमाज पढ़ेंगे और घर सामान रखने जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। होटल में सामान रख के हम वापस आ गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर। ये देखें और हो रहा है, तो अभी मस्जिद के अंदर जाकर दिखाते हैं। मदीना में मैं आखिरी अपनी इशा की नमाज पढ़ लिया, तो अभी हम जा रहे हैं फारों पर, वहाँ पर तो अभी फारों के पास वो नहीं है, ये रंग बिरंगे नहीं चल रहे हैं, सादी लाइट चल रही है। ना ही ज़्यादा ऊंची चल रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है। घरों से फारग हो गए हम, घर चलते हैं, भूख लग गई है, खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। छतरियाँ बंद करने की वजह से मैं भी सारा नीचे आ गया। ये देखें औरतें कैसे स्कूल से जा रही हैं, ये रोज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए, ये सारे नमूना किताब है। ये है 32 नंबर गेट जो रोज़ा रसूल की तरफ जाता है, और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। देखें काफ़ी ज़्यादा औरतें अंदर जा चुकी हैं और थोड़ा सा रश कम हो गया, और हम भी चलते हैं और ज़्यारत करते हैं। जबकि टाइम हमारा कीड़ों ने इस्तकबाल किया, इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े, इतने ज़्यादा। चलेंगे अंदर चल के आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा रश है, और मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं।
गेट खुल गया और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये बेचारे ना स्टूलों को ऊपर चढ़ जाते हैं दरवाज़ा खोल के, इतना तो रश होता है उसकी वजह से बेचारे ना स्टूलों को ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं। अब नीचे उतरे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं लोग रोज़ा रसूल की तरफ। बहुत ज़्यादा रश था, कुछ औरतें काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई दरवाज़ा खुलते ही ना भाग गई हैं, और बाकी जो है वो आराम आराम से पीछे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल में, नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली है और सामान अपना समेटते हैं क्योंकि जोहर की नमाज़ पढ़ के हमने यहाँ से निकल जाना है। और सामान देखिए कैसे बिखरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा समेटा भी है लेकिन थोड़ा सा जो रहता है बैगों के अंदर डालने वाला वो डालते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे और फिर उतनी देर तक जोहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ के रवाना होंगे, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। और इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं, आपने बताना है हमारा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, आज है हमारा मदीने में आखिरी दिन और आखिरी इस्तकबाल था रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो हमने कर लिया है। और चलो थोड़ा सा दिल, यानी कि दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था और रोज़ा रसूल देख कर दिल खुश भी हो गया, तो चलें आखिरी दीदार हमने कर लिया है और होटल में वापस आ गए हैं। तो जी इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा और दुआ में ढेरों याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।